फलोदी के कुंडल गांव निवासी रोशन व्यास एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पब्बा राम विश्नोई, विधायक फलोदी अनिल कुमार जैन, उपखंड अधिकारी फलोदी, तहसीलदार फलोदी, आरआई गांव खारा सहित पटवारी भटवार हल्का बैंकटी कला फलोदी के विरुद्ध जरिए इस्ता गासा प्रस्तुत किया कि फलोदी विधायक पब्बा राम विश्नोई के प्रभाव से आला अधिकारियों द्वारा गांव कुंडल की आगोर भूमि पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने की गर्ज से राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना में गलत तरमीम की गई, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने फलोदी द्वारा जाँच किए जाने के उपरांत उक्त आरोपियों को क्लीन चिट दी, जिससे रोशन व्यास व अन्य द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश फलोदी के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। पार्थी को यहां भी न्याय नहीं मिलने पर पार्थी व्यास ने अपने अधिवक्ता मनोज बोहरा के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में SB क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन प्रस्तुत कर बताया कि जनहित याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अतिक्रमणों को हटाए जाने के आदेश होने के बावजूद भी राजनीतिक दबाव से आगोर की भूमि में तरमीम की गई है, जिसे उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए विधायक पब्बा राम विश्नोई व आला अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामले में संज्ञान लेने के क्रम में नोटिस जारी कर जवाब तलब दिया। उसके बाद में विधायक महोदय के प्रभाव में SDM तत्कालीन अनिल जैन और तहसीलदार इन सब ने 15 बीघा आबादी वहां तरमीम कर दी, और चूंकि कंटेम्प्ट का केस चल रहा था तो यह न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले और अशुद्ध अभिलेख था। हमने 217, 218, 219 IPC का केस बनाया, जरिए इस्तगासा फलोदी SEZM कोर्ट नंबर 1 में डाला, वहाँ से खारिज हो गया, फिर ADG कोर्ट में रिवीजन किया, वहाँ से भी खारिज हो गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की शरण में गए और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन्हें नोटिस इशू कर दिया और इन्हें तलब किया है। कौन कौन शामिल है? विधायक पब्बा राम विश्नोई, तत्कालीन SDM अनिल जैन और तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI पटवारी, ये सभी। खासा कौन सा है सर?